तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। परे परे शव के कंकाल बनने की जांच भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुई थी। एक और घटना यहां पर घटी है। गुरुवार को यहां मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के मुर्दा घर में पिछले 5 दिन से एक नवजात का शव अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। दरअसल इस बच्चे की मौत 12 सितंबर को हो गई थी, लेकिन अस्पताल ने नवजात के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस तक इसकी जानकारी नहीं दी। मैम, आज भी एक बच्चा मिला है जो मैम वो 12 तारीख से रखा हुआ था फ्रीजर में, और उसके बाद अभी उसका भी तो मैम वो 12 तारीख से यहाँ पे रखा हुआ था, तो नहीं था किसी को नॉलेज में भी। और आज कम्युनिकेशन हो गया है, कोई इसको इन्फॉर्म नहीं कर पाए लोग, इसलिए डिले हो गया। आज कर दिया, कल कर दिया इन्फॉर्म। तो मैम अभी तक मैम गलती किसकी नजर आ रही है वैसे देखा जाए तो? रिपोर्ट में दे देंगे हम, तो उसमें आप देख लीजिए। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस घटना पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, जिंदा तो जिंदा इंसान के गुजर जाने के बाद भी हम उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, और इसी MY अस्पताल से ये दूसरा वाकया है। इस बार नवजात का शव 5 दिन से रखा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। क्यों ऐसी लापरवाही इतने बड़े सरकारी अस्पताल में बार बार देखने को मिल रही है? क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस मामले में हुई है? देखिए, ये जो बच्चा था, चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं को 6 जुलाई को ये बच्चा लावारिस हालत में अलीराजपुर जिले में मिला था, और वहां से इस अस्पताल में लाकर बच्चे का इलाज लगभग 2 महीने से चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा 11 तारीख को उसने अपनी सांसें तोड़ दी, और जो हमारे सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि इसकी सूचना CMO को 4:15 बजे सुबह सितंबर 12 को दे दी गई थी। CMO ने भी अपनी तरफ से कांस्टेबल नारायण है MY अस्पताल में पुलिस के ऑफिस पे उनको दे दी, और उसके बाद हेड कांस्टेबल जगन्नाथ है सितंबर 16 को उनको दोबारा बताया गया, लेकिन कोई पोस्टमार्टम के लिए आया नहीं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस की मौजूदगी भी जरूरी होती है, और इस वजह से अस्पताल का कहना है कि बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। लेकिन जैसा हमने पिछले मामले में भी आपको बताया था कि उसमें कैसे 11 दिन इसी अस्पताल में एक मुर्दा कंकाल में बदल गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ऐसा होता नहीं है, चूंकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, वो एंट्री करता है। तो क्या शवों के प्रति ये बात जरूर है कि वहां पर दिक्कतें हैं, क्योंकि 16 डीप फ्रीजर है, और आज कोरोना में लगभग हर दिन औसतन वहां पर 21 से 22 शव पहुंच रहे हैं, तो जिन शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा या जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे शव वहां मौजूद है, तो ये अस्पताल के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसकी कोई वजह और समझ में नहीं आ रही कि 11 दिन अगर कोई पूरा जो शव है वो कंकाल में तब्दील हो जाए। अगर आपने भी अपर आयुक्त रजनी सिंह, उनको सुना होगा, वो बार बार ये कह रही हैं कि जो हम कमिश्नर को रिपोर्ट सौंप देंगे और कमिश्नर आपको बताएंगे, जो इस पूरे मामले में, दोनों मामले में कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, एक एक करके बयान लिए जा रहे हैं सारे लोगों के, और प्रशासन का यही कहना है कि जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब इस बारे में कुछ कह पाएंगे। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से, वो बेहद शर्मसार करने वाले हैं, बेहद शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारे इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये हकीकत इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY अस्पताल की है। यहाँ 5 दिनों से एक नवजात का शव रखा हुआ है, ना तो उसका अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही उसका अंतिम संस्कार हुआ है, और इसी अस्पताल से पहले एक व्यक्ति का शव पड़े पड़े स्ट्रेचर पर कंकाल में तब्दील हो गया था। 11 दिन तक वो शव रखा रहा। क्यों इस तरह की लापरवाही बार बार इस अस्पताल में देखने को मिल रही है, ये एक बड़ी बात है।